बस बाइट्स के पर्सनालिटी सफ़र में आपका खैर मुकदम है। आज हमारे साथ इरफान शाह मीरी साहब, जो कि प्रोमिनेंट ग्लोबल नेम है कश्मीर के, सन ऑफ द सॉइल है और चिनार इंटरनेशनल को बड़ी प्रोफेशनली वन ऑफ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एनजीओ वर्क इन कश्मीर। सर, हमें आप बताइए, चिनार इंटरनेशनल ने काफ़ी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, तो हाउ हैज़ दिस जर्नी बीन सो फार? इट्स जर्नी हैज़ बीन वंडरफुल, लॉट ऑफ लर्निंग्स। मैं थोड़ा बताता चलूँ कि हम शुरू में यूथ पे काम नहीं कर रहे थे, हम शुरू में बच्चों पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर हमने 2011 में जब हमने कश्मीर का मैंने ग्राउंड एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि यूथ की स्पेस में कोई काम नहीं कर रहा था, सब बच्चों पे फोकस थे और यही बच्चे 2-4 साल में यूथ बन जाते हैं। तो हमने उस वक्त शुरू ये अपने मिशन में ऐड किया कि हम यूथ को भी सपोर्ट करेंगे। तो जो आपका सवाल है कि ये यूथ पर हम कैसे काम करें, आपने देखा कि काफ़ी प्रेस रिलीज भी आए हैं, डेटा ऐसा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है कश्मीर में, गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत निसेंट स्टेज में है। तो इसमें हम सिविल सोसाइटी को सामने आना है और ऐसे यूथ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो लो इनकम ग्रुप फैमिली से का वापसता हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनको हमने अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने काफ़ी जो यूथ डेवलपमेंट का जो वर्टिकल है उसमें काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि अलग अलग तरीके से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट यूथ को दे सकें। सर, आपका अपना भी खुद का यूएस का बैकग्राउंड है, चिनार इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइज जो हॉज पॉज काम नहीं करती है बट विद परफेक्ट परफेक्शन काम करती है, हाउ हैज़ दिस बीन possible especially in a place like Kashmir? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ये शुरू से ही आइडिया था कि हम एक प्रोफेशनल यूनिट की तरह रन करें, हम इसको एडहॉक तरीके से ना रन करें, डेटा ड्रिवन रन करें। तो और मेरा खुद भी मैं क्योंकि कॉर्पोरेट अमेरिका में काफ़ी साल काम किया है, मैंने मास्टर्स भी किया था यूएस में, तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी काम आया। तो जब मैं कश्मीर में पहुँचा हूँ, मैं 2011 में जब मैंने ये एक कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज समझी हैं, उसके बाद हमने बड़ा प्रोफेशनली तरीके से हमारा प्रोग्राम को सेटअप किया है। जैसे अब मैं बताऊँ कि हर एक जो हमारा वर्टिकल है उसका एक बिजनेस प्लान बनता है साल के शुरू में, और जब बिजनेस प्लान बनता है टारगेट्स बनते हैं, क्वार्टरली टारगेट्स बनते हैं, और वो टारगेट्स हर क्वार्टर पर रिव्यू किए जाते हैं। तो सब कुछ एक प्रोफेशनल तरीके से किया गया है, एक कल्चर डेवलप किया गया है, कल्चर जिसमें मॉरल्स एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब एवरीथिंग हैज कम टुगेदर। और अगर आप चिनार में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कल्चर कितना पावरफुल है। अब आपकी एक ट्रांजिशन हो रही है, आप यूथ को असिस्टेंस भी दे रहे हैं फॉर देयर डिफरेंट क्रिएटिव थॉट्स, उसके बारे में बताइए। देखिए, यूथ एक देखें क्या है कि कश्मीर में यूथ को कोई पूछता नहीं है, यूथ पीछे बैकग्राउंड में चला गया। कोई लोग समझते हैं कि बच्चा जो जवान बन गया वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। तो सॉरी, आपका सवाल क्या था? ये आप यूथ को असिस्टेंस भी दे रहे हैं फॉर देयर क्रिएटिव ड्रीम्स, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये असिस्टेंट जो ये है कि मतलब गोल ये है कि ये यूथ सेल्फ रिलायंट बने, यूथ अपने पैर पर खुद खड़ा हो। तो उस चीज़ में जो भी हम हेल्प कर सकें, जिस किस्म की जो उस वैल्यू चेन में है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, जो भी एस्पेक्ट है उसमें हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और यूथ जो है हमने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरह इसको हमारे साथ जो इंट्रैक्शन बड़ी अच्छी तरीके से हो रही हो और अच्छी तरीके से वो आगे जा रहे हैं। आपकी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अपने 15 साल जर्नलिज्म में स्टडी की है, जो काम करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं, इसके पीछे मंत्र क्या है? मंत्र आज आपने देखा होगा कि काफ़ी स्पीकर्स ने भी बात की है कि आप काम पर फोकस करें, आप इस पर फोकस ना करें कि दुनिया क्या देख रही है। तो मकसद ये है कि हमारा काम शो करेगा, वो खुद ब खुद शो करेगा। तो शुक्र अल्लाह का कि हम जो हमारा स्टेट मोड सप्रेंड है वो हमारा अच्छा चल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं अपने को हाईलाइट करने की। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपका है कि आपके लाइफ में आइडियल्स कौन? देखिए, एक तो हजूर का तो सबसे बड़ा आइडल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसके आगे कोई है नहीं ना कोई पहुंच सकता। उसके अलावा भी आज जैसे स्पीकर ने कहा, मोहम्मद अली ज़बरदस्त हैं, तूफ़ान के हैं, और भी कुछ लोग हैं, बट हजूर के सामने कोई नहीं आता जी। तो यह है इरफान शामिरी, जो मेरे जैसे लाखों कश्मीरी नौजवानों के आइकन रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी को बड़ी पॉजिटिवली लीड रहे हैं। मैं रमीज़ मखदूमी, बस बाइट्स के पर्सनैलिटी सफ़र के साथ, सलाम।